to GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मैनपुरी थाना इलाउ क्षेत्र के ग्राम बघूरा में देव जयराम पेट्रोल पंप है, जो कि बाय डीजल पंप, जिस पर धरले से अवैध तरीके से डीजल की बिक्री की जा रही है, जिसका एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बायो डीजल पंप पर अवैध तरीके से डीजल बेचने का काम किया जा रहा है, जबकि किसी भी बायो डीजल पंप को डीजल बेचने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद भी धरले से अवैध तरीके से डीजल की बिक्री कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी शिकायत भी जिला पंचायत सदस्य नीरज उर्फ राजेश खत्री की ओर से जिला पूर्ति अधिकारी से की गई थी, जिसके बाद उन्होंने खाना पूर्ति करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पंप संचालक के हौसले बुलंद है। वहीं जब मीडिया ने वीडियो वायरल किया और अवैध तरीके से पंप पर की जा रही डीजल की बिक्री को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी से बात की, तो बस हमेशा की तरह एक ही जवाब वो देते नजर आए कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि वीडियो वायरल होने के बाद क्या जिला पूर्ति की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमने तो डीएसओ को शिकायत की थी कि हमारे बगल में 100 फुट की दूरी पे एक बायोडीजल का पंप चल रहा है, और शिकायत के साथ हमने संलग्न फोटो का भी किया था और वीडियो भी हमने दी थी और एक रसीद भी दी थी, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये बायोडीजल की जगह इंडियन ऑयल का और भी नंबर दो का तेल जो होता है उसको ही बेच रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। डीएम साहब ने कमेटी बनाई, कमेटी में ये चार लोग थे, जिला पूर्ति अधिकारी थे, एसडीएम भोगांव थी, क्षेत्राधिकारी भोगांव थे, सीओ साहब और बार्ड मैप के अधिकारी थे। पीलीभीत में एक महिला ने अपने पति के सोते समय चारपाई से बांधकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को 5 भागों में डिवाइड कर शव को नहर में फेंक दिया। दरअसल मामला पीलीभीत जनपद के गजौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिवनगर गांव का बताया जा रहा है, जहां गांव के रहने वाले रामपाल मंगलवार सुबह घर से लापता थे। युवक के बेटे सोमपाल ने पुलिस को तहरीर देकर युवक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शक के आधार पर गुरुवार को पुलिस ने लापता हुए युवक की पत्नी दुलोरो देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तो पत्नी ने पुलिस के आगे सारे राज खोल दिए। पुलिस पूछताछ के दौरान युवती ने पुलिस को बताया कि सोमवार देर रात उसे सोते वक्त अपने पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को 5 टुकड़ों में बांटा और उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवनगर के नजदीक बहने वाली निगोही ब्रांच नहर में फेंक दिया। हालांकि पुलिस शव के टुकड़े तलाश रही है, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। गोरखपुर ट्रेन के इसी बोगी में सफर करने वाले लोगों को संपन्न और सभ्य माना जाता है, लेकिन रेलवे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के ट्रेनों के एसी बोगियों से 3 महीने में 5,000 चादरें चोरी और 15,000 चादर कंडम हो चुकी थी। आज हम आपको पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनों से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर में चलने वाली ट्रेनों के एक बोगी में सफर करने वाले मुसाफिरों की कारस्तानी सुनिए। रेलवे के आंकड़ों की माने तो पिछले 3 महीनों में ट्रेन के एक बोगी से 5,000 चादर चोरी हो चुके हैं और 15,000 चादर कंडम की जा चुकी है। जी हाँ, चादर चोरी होने का यह मामला सामान्य श्रेणी के डब्बों का नहीं बल्कि एसी कोच का बताया जा रहा है। यात्रियों की संतुष्टि के लिए रेलवे लगातार अच्छा कार्य कर रहा है और कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जो बीच में रेल मदद के माध्यम से हम लोगों को सुझाव और शिकायतें मिली बेड्रोल को लेकर, तो उसमें सुधार के लिए रेलवे ने सबसे पहले तो लॉन्ड्री की क्षमता बढ़ा दी, जो पहले लगभग 9 टन थी वो 16.7 टन कर दी गई बढ़ाकर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चादरें प्रतिदिन हम लोग मुहैया करा पा रहे हैं यात्रियों के लिए। दूसरा, जो शिकायत आती थी कि तुरंत जैसे ही यात्री बैठता है तुरंत समय से उनको चादरें नहीं मिल पा रही थी, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए पहले जो व्यवस्था थी 2 कोच में 1 अटेंडेंट चलता था।
चमोली में रविवार रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के बीच जनपद चमोली के प्रवेश द्वार खमेड़ा में 150 मीटर बह गया था, जिससे आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले तीर्थयात्री आमजन वापस रुद्रप्रयाग होकर रुद्रप्रयाग से पोखरी होते हुए कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और बद्रीनाथ की ओर यात्रा कर रहे हैं। अभी क्षतिग्रस्त मार्ग को 72 घंटे बाद पैदल आवाजाही के लिए खोल दिया गया। मौसम ठीक रहा तो कल तक वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। इतनी जल्दी जो संभव हो पाया है, आरसीसी कंपनी है हमारी, इसके वर्कर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। जो प्रशासन है, बीआरओ है, इन्होंने काफ़ी हेल्प की। रेलवे वाले हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की। प्रशासन ने भी बहुत हमारा साथ दिया, पुलिस ने भी साथ दिया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। मौसम ने थोड़ा साथ नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे हमें टाइम मिलता था काम करते थे। स्लाइड बहुत हो रहा था, जब स्लाइड होता था तो हम रुक जाते थे, फिर दोबारा काम करते थे। तो लेकिन काफ़ी कुछ हो चुका है और उम्मीद है कि कल हम इसको सुचारू रूप से ट्रैफिक को कंट्रोल कर। ऋषिकेश में फर्जी वेबसाइट पर कमरे बुक कर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक शातिर साइबर ठग को लक्ष्मण झूला पुलिस और सीआईयू की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अलग अलग बैंकों के 4 एटीएम, एक मोबाइल और 55,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी के 15 खाते फ्रीज कर दिए हैं। चमोली में बीकेटीसी द्वारा जारी एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार इस साल 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 8,198 वीआईपी और वीवीआईपी और उनके संदर्भों से आए लोगों ने दर्शनों का लाभ उठाया है। इससे बीकेटीएस को 24 लाख का लाभ हुआ है। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के पश्चात वहां अभी तक 22,398 वीआईपी और वीवीआईपी लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इनसे बीकेटीसी को 97 लाख रुपए का फायदा हुआ है। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौर ने बताया कि यात्रा काल में दोनों धामों में वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बीकेटीसी वीवीआईपी और वीआईपी श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है और निःशुल्क प्रसाद भी देती है। वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। वीआईपी वीवीआईपी श्रद्धालुओं के नाम पर अनेक अव्यवस्थाएं भी पैदा होती हैं। इस साल यात्रा काल से पहले बीकेटीसी ने देश के 4 बड़े मंदिरों श्री वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ, महाकाल मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए एक एक अध्ययन दल भेजा था। इन दलों ने वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर मंदिरों में आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी मानुभावों से दर्शनों के लिए शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया था। बीकेटीसी ने अध्ययन दलों के सुझाव पर प्रति व्यक्ति 300 रुपये निर्धारित किया था। बीकेटीसी द्वारा नई व्यवस्था कायम करने के लिए वीवीआईपी और वीआईपी के नाम पर अनावश्यक रूप से दर्शनों के लिए घुसने वालों पर भी रोक लगी है। देखिए, आप जानते हैं कि यात्रा काल में विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव और उनके संदर्भों से बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा पर आते हैं। मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, प्रसाद इत्यादि वितरित करती है और उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इस वर्ष यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने देश के 4 प्रमुख मंदिरों में अपने 4 अध्ययन दल भेजे थे, जिन्होंने वहाँ पर मंदिरों के प्रबंधन की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, जायजा लिया था। थराली नारायणगढ़ पैख्याल चोपता मोटर मार्ग भंगोटा अगौड़ा गधेरा के पास बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। यहाँ पर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह लोग चट्टान पर मलबा, पत्थरों और पानी के बीच से जूझते हुए आवागमन कर रहे हैं। यहाँ पर दरअसल पिछले साल से थोड़ी सी बारिश के बाद सड़क बंद हो जाती है, लेकिन संबंधित विभाग यहाँ पर कोई स्थायी समाधान नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ राजकीय इंटर कॉलेज चोपता के लिए जाने वाला एकमात्र पैदल रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आकर खस्ताहाल हो गया, जिससे लोग छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय जाना किसी खतरे से कम नहीं बना हुआ है। स्कूल के 4 छात्राएं और शिक्षक भी जान जोखिम में डालकर पठन पाठन और शैक्षणिक कार्यों के लिए जैसे तैसे आवागमन कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए एकमात्र रास्ते की दशा को देखते हुए क्षेत्र के अभिभावकों ने रास्ते का पुनर्निर्माण होने तक अवकाश करने के सुझाव के साथ ही गुहार लगाई है।
पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े मकानों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब पौड़ी कोतवाली क्षेत्र के मगवाड़ा गांव में चोरों ने एक बंद पड़े घर का ताला तोड़ दिया। मकान मालिक का कहना है कि चोरों ने लाखों रुपए के सोने के सामान पर हाथ साफ किया है। उन्होंने एसपी को शिकायती पत्र देकर जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। गगवाड़ा निवासी ललित नैनवाल ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में कहा कि वे परिवार के साथ देहरादून रहते हैं। उनको फोन से जानकारी मिली कि उनके घर में चोरों ने ताले तोड़ दिए हैं। मौके पर आकर पता चला कि चोरों ने सोने का एक नेकलेस, अंगूठी, एक जोड़ी कुंडल सहित कीमती घड़ी और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने पुलिस से शीघ्र ही मामले की जांच कर मदद की गुहार लगाई है। जो थाना प्रभारी हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि जाके मौका मुआयना भी करें, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसका खुलासा भी किया करें। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे घर हैं जो खाली हैं, इसमें भी जो घर के जो मालिक थे वो देहरादून जा रखे थे। तो इस संदर्भ में मैं आम जनता से भी अपील करूंगी कि जब वो अपना घर बंद करके लंबे समय के लिए कहीं जाते हैं तो जो थाना है, जो चौकी है, वहां जरूर सूचित करके जाएं। और इस संदर्भ में संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग जरूर करवाएं। झांसी के मेवातीपुरा स्थित सादिक अली के इमामबाड़े में 9 मुहर्रम के मौके पर एक मजलिस को संबोधित करते हुए मेरठ से प्रोफेसर मौलाना हुसैन मेहंदी रिजवी ने इमाम हुसैन के 72 साथियों की शहादत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि करबला में इमाम हुसैन के साथी और इमाम हुसैन को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिसमें 6 माह के मासूम अली असकर को भी भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। करबला की जंग हक और बलिदान की थी, क्योंकि इमाम हुसैन ने जालिम ताना शाह यजीद की गलत बातों को इमाम हुसैन ने मानने से इनकार कर दिया था। इसी से बौखलाए यजीद ने अपने लाखों साथियों के साथ जंग शुरू कर दी। इमाम हुसैन यजीद के सामने नहीं झुके और अपने 72 साथियों के साथ, जिसमें महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, जवान सब शामिल थे, जंग की और शहीद हो गए। इसी मौके पर इमाम हुसैन के ताबूत और आलम की जियारत कराई गई और मातमदारों ने मातम कर इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को याद किया। मजलिस में आए सभी का आभार नजर हैदर ने व्यक्त किया। चमोली कमेड़ा में 6 दिन बाद वाहनों के लिए यातायात खुल गया है। चमोली रुद्रप्रयाग के बीच कमेड़ा में बारिश की वजह से सड़क 100 मीटर ध्वस्त हो गई थी। एनएच की कड़ी मेहनत के बाद आज से हाईवे पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। वही संभल में आलम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रेलवे की विजुअल लाइन से उतरा अमल में भीषण कण की चपेट में आकर 4 लोग झुलस गए। कैमरे में कैद हुई घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अफरा तफरी का माहौल है। हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज साल 2017 में हुए ऑक्सीजन कांड में 36 नवजात की मौत के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार फिर बड़ी लापरवाही की वजह से मरीज और तीमारदारों की जान पर बनाई। मेडिकल इमरजेंसी वार्ड के इलेक्ट्रिकल रूम में गुरुवार की रात 10 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने से वार्ड में धुआं भर गया। आग विकराल रूप लेने लगी तो मरीज और तीमारदारों में जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। इस बीच सूचना पाकर मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों के साथ पहुंचे फायरकर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाकर मरीज और उनके तीमारदारों की जान बचा ली। घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान से मोहब्बत का चोला पहनकर 3 सीमाओं पार कर अवैध रूप से भारत की राजधानी के करीब पहुंची सीमा हैदर ने भारत की सीमा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे भारत के लोगों द्वारा इंटरनेट से हुए प्रेम संबंध एक मुसीबत बनते नजर आ रहा है। इसी को लेकर बुलंदशहर के दानपुर निवासी सिराज अली ने अपनी पत्नी पर ISI से जुड़े होने का शक जाहिर करते हुए ATS टीम से पत्नी की जांच कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है, जिसे बताया गया कि साल 2021 में फेसबुक के जरिए हसीना वाडिया से संबंध हुआ था। इंटरनेट के जरिए एक दूसरे में नजदीकियां बढ़ती गई। दोनों ने 14 मई को शादी रचाई और दोनों अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र के नगला पटवारी में रहने लगे, जहां 12 साल पहले हसीना ने एक बेटी को जन्म दिया था। हसीना ने लड़की को देहरादून में एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के नाम पर भेज दिया। सिराज लड़की से मिलने देहरादून गया, जहां लड़की को अनाथ आश्रम में देख उसके होश उड़ गए।
जिसको अलीगढ़ लेकर आ गया। पत्नी की गतिविधियों को देख पति पत्नी में अनबन रहने लगी। किसी प्रकार से राज को पता लगा कि उसकी पत्नी के खाते में 21 लाख रुपए हैं, जिस पर उसकी पत्नी ने पूछताछ की तो हसीना वाडिया ने बताया कि पहली शादी के संबंध बिगड़ने पर मिले थे। हसीना वाडिया के पास कई मोबाइल फोन भी है जिसे वो अकेले में बात करती है, जिसका सिराज की माँ ने विरोध किया तो हसीना ने सास और पति के साथ मारपीट कर दी। इसी दौरान पता चला कि उसके पास 2 आधार कार्ड हैं जो पुणे और सुकुरपुर दिल्ली के नाम से हैं। हसीना का नाम भी मनीषा और पूजा है, जो भारत में किसी मिशन पर काम करने की बात कर रही थी, जिससे परेशान होकर कुछ महीने पहले सिराज अपनी मां को साथ लेकर दूसरे मकान में रहने लगा। इसी को लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गृह मंत्रालय DGP के साथ वरिष्ठ अधीक्षक से गुहार लगाई है कि उसके इंटरनेट पत्नी की HES टीम से जांच पड़ताल कराई जाए। क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन अशोक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की शिकायत की गई थी, वो ISI एजेंट है, जिसकी जांच की गई तो पाया गया कि वो उसके साथ रह रहा था और अब उसका पैसा खत्म हो गया है। तब तक महिला के पास पैसा था, वो यूज करता था और पैसा खत्म होने के बाद उस महिला पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है। मैं एक लड़की से फेसबुक के थ्रू जुड़ा था, तो उसने अपनी कहानी बताई, मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ, तो एक दूसरे से हम दोनों रेगुलर बात करते थे। मैं उस पर बिलीव करके, ट्रस्ट करके उसकी बातों पर उसके साथ शादी कर ली, उसको ले आया। लाने के बाद उसकी गतिविधियाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, वो कई फ़ोन यूज करती थी। बीमार हुआ, बीमारी के बाद मुझे वो नोएडा ले गई। नोएडा में उसने अपने अकाउंट में मुझे 21 लाख रुपये करीब दिखाए। मैं देख के शॉक्ड हो गया कि ये अनाथ थी तो इस पर इतना पैसा कहाँ से आया। फिर अब मैं कुछ टाइम से उसको देख रहा हूँ कि वो कई फ़ोन यूज करती है। अब मुझे उस पर शक है और गतिविधियाँ मुझे लग रही हैं कि वो ISI एजेंट भी हो सकती है या देश के लिए कुछ खतरा भी हो सकती है। उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कभी बताती है पूना, कोलकाता, मुंबई। अभी कहाँ है इस समय वो? इस समय मेरे घर में रह रही है, 1.5 महीने, पटवारी नगला। झांसी में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर लगभग 2.5 महीने से जातीय हिंसा का शिकार बना हुआ है। हिंसा के दौरान मणिपुर में अमानवीय घटनाएं हुई हैं, जिसमें मानवता शर्मसार हुई। मणिपुर में हिंसा रोकने और शांति बहाल करने में राज्य सरकार नाकाम साबित हो रही है। इस संबंध में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देकर मणिपुर में महिलाओं के साथ अमानवीय घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को कठोर सजा दिलाने, हिंसा से प्रभावित परिवारों को न्याय, आर्थिक मदद दिलाने और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंकने वाली भारत की प्रथम महिला वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के पहले से ही मुर्रम पर ताजिया को पारंपरिक तरीके से रखा जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई के कोष से खजाने से ताजिया की साज सज्जा की जाती थी और आगे भी अंग्रेजों ने इस परंपरा को सुचारू रूप से जारी रखा। आजादी के बाद ताजिया रखने की जिम्मेदारी शहर कोतवाल को सौंपी गई है, जो परंपरा आज भी कायम है। इसी क्रम में मुहर्रम पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया इमामबाड़ा राष्ट्रीय पंच परमेश्वर महत्व समिति रानी महल झांसी की अध्यक्षता कर रहे अब्दुल रशीद और प्रतिष्ठित समाजसेवी संघर्ष सेवा समिति स्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के मुख्य आतिथ्य में भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय पंच परमेश्वर महत्व समिति के अध्यक्ष अब्दुल रशीद ने समाजसेवी डॉक्टर संदीप और संरक्षक शेर कोतवाल संजय गुप्ता का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर संदीप और संरक्षक शेर कोतवाल के द्वारा राहगीरों को भंडारा वितरित किया गया। रानी महल में, चूँकि ये महारानी लक्ष्मीबाई के समय से ही ये परंपरा हमारे झांसी में चली आ रही है कि शेर कोतवाल द्वारा ताजिया और हिंदुओं मुसलमानों को ताजिया और हिंदुओं की होली शेर कोतवाल द्वारा ही पहली बार की जाती, शुरुआत वहीं से की जाती। माननीय इस समय संजय गुप्ता जी, तो वास्तविकता में हम लोगों के लिए शेर कोतवाल के अलावा जिन मांग के तरह के हम झांसी वासियों के लिए सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल है हमारे भैया जी, और हमारा भैया जैसा तो भैया नहीं हो सकता है, क्योंकि ये समिति में बहुत डमाडोल हो गया था, हमारे भैया ने पूरे दशक के बादलों को छाटा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।